फ्रूट कदा मैं ददाति सो पदांतिकम। ददाति सो पदांतिकम। अनुवाद दो रही है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे अहम श्री गुरु वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्रीयुत श्री गुरुम वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। अनुवाद। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जी गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु जगत पते, दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, श्री राधा कांत नमोस्तुते, श्री राधा कांत नमोस्तुते। अनुवाद। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिय, प्रणमामि हरि प्रिय। अनुवाद। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिंगले सोने के दृश्य है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वांछाय कल्पतरुभ्याश्च, वांछाय कल्पतरुभ्याश्च, कृपा सिंधुभय एव च, कृपा सिंधुभय एव च, पतिता नाम पावनेभ्यो, पतिता नाम पावनेभ्यो, वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद। मैं भगवान के समक्ष बोलिए माता। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीव आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। नमः ओम विष्णु पादाय, नमः ओम विष्णु पादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते नव योगेंद्र, श्रीमते नव योगेंद्र, गोस्वामिन इति नामिने, गोस्वामिन इति नामिने, नमस्ते प्रभु पाद देवे,
नमस्ते प्रभु पाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारी ने नाम संकीर्तन प्रचारी ने निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारी ने समस्त देश तारी ने नमः ओम विष्णु पादाय नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामी स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री अर्जुन जी महाराज की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप का ये तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है कर्म योग 21वां श्लोक प्रयास कीजिए दोहराने का यत यत आचरति श्रेष्ठ यत यत आचरति श्रेष्ठ तत देवे तरो जनः तत देवे तरो जनः स यत प्रमाणं कुरुते स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते लोकस्तद अनुवर्तते यद्यदाचरति श्रेष्ठः यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत देवे तरो जनः तत देवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते आचरति श्रेष्ठः तत् देवे तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते लोकस्तद् अनुवर्तते हरि आपने हरे कृष्ण प्रभु जी तन्वत् प्रणाम हरे कृष्ण श्रेष्ठ तत देवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण जी यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तदेवेतरो जनः स यत् परमानं करोति लोकस्तद् अन्वर्तेतते। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। तत् चरित श्रेष्ठ स तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक सत नु वर्तते। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त। जी सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंधता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये विशेष कर एक ऐसा श्लोक है हरे कृष्ण।
प्रभु जी आप म्यूट हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो एक तरह से विश्व में एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा है जिसके पास कई तरह के ऐसे युद्ध की कलाएं, कई तरह के ऐसे अभिमंत्रित किए गए इस तरह के शस्त्र हैं जिनके द्वारा कह सकते हैं एक अच्छी खासी परलय जैसा, जैसे आज है ना एटमिक जो बम्स हैं या इस तरह की पावर जिनके पास हैं, तो एक बार के लिए वो संसार में उथल पुथल मचा सकते हैं एक अच्छे खासे हिस्से में धरती के। ऐसे ही अर्जुन के पास में भी इसी तरह के कुछ शस्त्र थे जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र भी था, इसके अलावा कई और अग्नि अस्त्र थे और कई अन्य अस्त्र थे। तो एक तरह से सामान्य जन या संसार के अंदर एक अपने आप में अर्जुन का एक अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व था अपना एक। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षित कर रहे हैं या अर्जुन के माध्यम से समाज के उन सब लोगों को जिनका समाज में एक अपना कुछ दायित्व है कह लीजिए, समाज में जिनका एक अपना सम्मान है और लोग उनके आचरण से उसके पीछे उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में महापुरुष या जिसे कह सकते हैं महान पुरुष जो है, जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। दुर्भाग्य से कलयुग के प्रभाव के कारण आज इस ऐसे समाज को कह सकते हैं मिसगाइड किया जा रहा है कि समाज में महापुरुष की जगह कौन लेते जा रहे हैं, फिल्मों के एक्टर्स और एक्ट्रेस उनको दिया जा रहा है उस तरह का कि जो भी फिल्म का एक्टर जैसी एक्टिंग करेगा या जो भी मूवीज में जैसा देखेंगे लोग वैसा ही आचरण करना शुरू कर देते हैं और परिणाम एक तरह से जो समाज में संसार में जो क्राइम हो रहा है, जो सब अधर्म हो रहा है, अनीति हो रही है, पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसमें एक अच्छा खासा रोल जो है इस सिनेमा का भी है, ये जो बॉलीवुड है और इस तरह का इनका अच्छा खासा रोल, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं फिल्मों के अंदर टीवी पर और फिर बचा कुचा फेसबुक पे जो देख रहे हैं उसी के अनुसार वो उससे वैसा ही उनका सोचने का तरीका, उनका पहनावा, उनके कार्यकलाप वैसे वैसे ढलते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे वो उनकी मानसिकता पर इस तरह से असर दिखा रहे हैं समाज के लोगों पर और बच्चों पर, एक तरह से जैसे कह सकते हैं स्लो पॉइजन कि धीरे धीरे वो जहर उन लोगों के दिमाग पे असर करता चला जा रहा है उनके। इसलिए गुरु महाराज कई बार कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में भी ऐसी स्थिति नहीं बनी थी कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति पर कोई इतना बड़ा आघात सीधा पड़ा हो उस समय में, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी क्या मिली 1947 में, इस तरह के लीडर्स आ गए, इस तरह के नेता आए समाज में जिनके एक तरह से कह सकते हैं आचरण और जिनकी शिक्षाओं के ऊपर चलकर, शिक्षाओं के नाम पर ऐसी ही थी शिक्षाएं जिसे कह सकते हैं आसुरी शिक्षाएं, उस पर चलकर समाज इस तरह का रूप लेता चला गया पिछले लगभग 70 सालों के अंदर। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं समझाने के लिए
कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उन्हीं का उसी का अनुसरण करते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को इतनी कोई बुद्धि या इतनी कोई समझ अगर नहीं है तो वो तो अपने सामने जैसे देखता है वो वैसे वैसे चलना शुरू कर देता है, जैसा देखता है जैसा सुनता है और जैसा फिर उसको स्कूल कॉलेजेस में जो भी टीचिंग दी गई। कहां कहां तक आप सोच सकते हैं किस तरह की गलत शिक्षा दी गई पिछले लगभग 50-60 सालों के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज की आपकी जो सीता माता जगत जननी है उनके लिए कैसे गलत तरीके से जिसने भी डाला, जिस तरह के भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे जो भी, कि सीता माता के लिए क्या लिखा गया कि रावण को एक बार छींक आई और छींक से सीता का जन्म हुआ। आप विचार कीजिए किस तरह से कलयुग के प्रभाव से कैसे समाज को भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो जो लोग इसमें निमित्त बन रहे हैं हर एक को वो पाप का हिस्सा भुगतना ही पड़ेगा, बच कोई नहीं सकेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कलयुग जो है किस तरह से कार्य कर रहा है, लेकिन उसको मौका कैसे मिल रहा है ये करने का, जो तीन बातें प्रभुपाद जी ने कही, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे कार्यकलाप, इन तीन चीजों में जब भी कोई कमी आ जाएगी दोष आ जाएगा, परिणाम में फिर समझ काम नहीं करेगी उसको सही ज्ञान को दिव्य ज्ञान को समझने के लिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह अपने अनुसरणीय कार्यों से, वह कौन, महापुरुष, महापुरुष अपने अनुसरणीय जो जैसा जैसे वो शिक्षा दे रहे हैं उस अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है समाज के आगे अपने शिक्षाओं के द्वारा, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है, सारा विश्व अनुसरण करने लगता है उसके अनुसार। और वो व्यवहारिक रूप में प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया कि प्रभुपाद जी ने जैसे ही इस सनातन धर्म को एक प्रमाणित श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के माध्यम से पूरे विश्व भर में ये श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथों का की शिक्षाओं को वो जब लेकर गए और सामान्य जनता को जब शिक्षित किया इसका अनुसरण करने के लिए, तो परिणाम में विश्व के एक अच्छे खास से अलग अलग देशों के लोग चल पड़े उसके पीछे उन शिक्षाओं के, जब उन्होंने इस बात को समझा। वास्तव में धर्म की जो परिभाषा उन्होंने समझाई कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, वो तरीका जब बताया उन्होंने, तो परिणाम में संसार उसको फॉलो करने लगा, अनुसरण करने लगा प्रभुपाद जी के बताए उस शिक्षाओं से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमने जैसे इस दिव्य आंदोलन से, हरे कृष्ण आंदोलन से अगर हम जुड़े हैं तो हमें भी इसका विचार करना चाहिए। आज कहते हैं कि सैकड़ों लोगों की आपके ऊपर नजर है, ये नहीं कि आप कुछ भी मनमर्जी का आचरण करेंगे तो परिणाम में जनता को पता नहीं चलेगा। इसलिए को आचरण करते हुए कितना सावधान रहना चाहिए इसका विचार करना चाहिए। और जो भी सब साधक जो लोग जो जप करते हैं, नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कितना सावधान रहना चाहिए इन बातों पर कि उनके आचरण से कितने लोग जो उन्हें देखेंगे, उनको सुनेंगे,
उनके बारे में जिनको पता चलेगा वो वैसा वैसा सीखना शुरू कर देते हैं आज से। इसलिए अपने 24 घंटे के हर कार्यकलाप पर भक्तों को साधकों को कितना सावधान रहना चाहिए, सभी को विचार करना चाहिए इस बात का। ये नहीं कि एक तरफ हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम कहीं जाके सिनेमा हॉल में कोई ऐसी बेकार की फिल्म देखने बैठ जाए जाकर, या इसी तरह से ऐसे ही रेस्टोरेंटों के अंदर जाके ऐसे कहीं का पका हुआ खाना शुरू कर दें अशुद्ध कोई कैसा भी अन्न। तो परिणाम यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है, फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देने कि अगर कोई नेता खुद ही धूम्रपान करता है, सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, तो परिणाम तो जनता को, वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो नेता हो, या फिर वो घर के अंदर पिता ही क्यों ना हो। इससे सोच सकते हैं, एक यहाँ पे एक बच्चा था, तो एक बार शायद उसने बताया या उसके साथ उसने कि उसके परिवार के अंदर घर के सारे मेंबर इकट्ठे बैठकर शराब पीते हैं। आप सोचिए, माँ भी, बहू भी, बेटी भी, और वो मतलब सभी बैठकर एक साथ में घर के सारे मेंबर, सोचिए उस घर की क्या स्थिति होगी, कैसी पतित अवस्था। तो यहाँ पर यही बात को समझाया जा रहा है, जब घर के बड़े ही ऐसा करने लगेंगे ना, तो आप बाखल को, बच्चों को या उनको बाकियों को कैसे आप शिक्षित कर सकते हैं इसके लिए। इसलिए कितना सावधान रहना चाहिए अपने आचरण में, और सबसे पहले तो हृदय में बैठे परमात्मा इस बात को नोट कर रहे हैं हमारी, जो हम जो जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कोई हमें देख नहीं रहा, बंद कमरे में हम कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हृदय में जो परमात्मा है वो तो जानते हैं, हमारे हर एक उसको नोट कर रहे हैं, जो भी हमारा कर्म है, हमारा सोच है, विचारधारा। लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान में पड़ा है, जब तक उसे भगवान से संबंधित ठीक से समझ नहीं है, भगवान को जाना नहीं ठीक से, तब तक वो व्यक्ति सोच सकता है हाँ मैं तो बंद कमरे में पाप कर रहा हूं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान होगा, समझ लगेगी गीता के अनुसार, और जैसे जैसे वो उसको व्यवहारिक रूप अपने जीवन में देने लगेगा, वैसे वैसे ही उसके जीवन से पाप कर्म होने बंद होते चले जाएंगे। उसे तब पाप से, या कह सकते हैं पाप के विचार से भी भय लगेगा। क्यों? उसे फिर मालूम चल गया अब कि मुझे हर कर्म की जवाबदारी होगी, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जो जो वो कर्म करेगा उसका फल भगवान देंगे, भुगतना पड़ेगा, बच नहीं सकेगा उसे। जैसे जैसे वो शिक्षित होता जाएगा आध्यात्मिक विषय पर, भगवान के बताए इन दिव्य उपदेशों के अनुसार, वो पाप कर्म उसके जीवन से बंद होते चले जाएंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये शब्द कहे हैं कि शिक्षक को पहले ठीक ठीक आचरण करना चाहिए, अगर वो जो शिक्षा दे रहा है स्टूडेंट्स को, शिष्यों को, अनुयायियों को। इसलिए महाप्रभु के बारे में वर्णन है, स्वयं आचरण करी प्रभु जीवे रे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे हैं, एक भक्त का, एक वैष्णव का कैसा आचरण होना चाहिए जीवन में, 24 घंटे के उसको कैसे, कितनी देर सोना चाहिए, कैसे उसको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। जो अपने आचरण से सिखाता है ना, उसको वास्तव में आचार्य कहा गया है। इसलिए आज क्या वो शब्द बदल के सर कर दिया, सर मैडम टीचर,
लेकिन वहां पर आचार्य शब्द क्यों नहीं रखा, क्योंकि आचरण से बेचारे चले गए, आचरण खुद ही वो नहीं अगर करते, सुबह लेट उठ रहे हैं 8-8, 9-9, 10-10 बजे, तो वो बाकी बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए वो आचार्य जो पहले गुरुकुल में शब्द प्रयोग होता था गुरुजनों के लिए, वो आचार्य शब्द की जगह ले ली सर मैडम ने। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। जो शास्त्र में सिद्धांत बताए गए हैं सनातन धर्म के, उस सिद्धांतों का पहले शिक्षक को पालन करना चाहिए, जिससे आम जनता या सामान्य जन उस पर शिक्षा को धारण कर सके जीवन में। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। फिर इसलिए यहां पर कहा गया गुरु, साधु और शास्त्र तीनों को एक होना चाहिए, एक ही बात कहनी चाहिए। जब गुरु और साधु शास्त्र के अनुसार आचरण करें तो समझिए वो सही हैं। और शास्त्र का मतलब नहीं है कि कोई भी अपना कोई एक पुस्तक या ग्रंथ के नाम से लिख डाले और उसको शास्त्र कहना शुरू कर दे। शास्त्र का मतलब है जो स्वयं भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवद प्रणीतम, वास्तव में धर्म के सिद्धांत क्या हैं? उसको भगवान ने स्वयं भगवद प्रणीतम भगवान के द्वारा दिए गए, वो भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा फिर आगे ये राजा मनु को, और फिर इस तरह से आगे चलना शुरू हुए। सूर्य देव सी से मनु को आया और ब्रह्मा जी ने अपने आगे दिए, फिर इसको शिक्षित किया समाज को। सप्तऋषि हैं और ऐसे कई हैं जो जिनके ऋषियों के आचरण के द्वारा उन्होंने शिक्षित करना शुरू किया गुरुकुल के अंदर आचार्यों के रूप में। और अगर कोई प्रमाणिक ऐसे ग्रंथ जो भगवान वेद व्यास जी ने फिर उसको लिखित में भी दिया, वेदों को, उपनिषदों को, वेदांत सूत्र को, महाभारत, और फिर उसके एक तरह से सार रूप में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में, अगर इसके विपरीत कोई बात कहता है शिक्षक, तो उसको फिर आप प्रमाणिक ग्रंथ नहीं कह सकते या उसको सही नहीं कह सकते। फिर शिक्षक को तो प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रदान किए गए उसके अनुसार ही उसको बताना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, जिसको भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य को ये दिया, दिव्य उपदेश भगवद गीता का, और फिर सूर्य देव ने अपने आगे ये राजा मनु को दिया, और उन राजा मनु ने जो मनुष्यों के लिए जो भी बताए नियम कानून सिद्धांत, उसको मनु संहिता नाम दिया गया उस ग्रंथ को। तो वास्तव में मनु संहिता जैसे जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उसका अनुसरणीय, उसके लिए कहा मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो समाज में शिक्षक हैं या नेता हैं या घरों के घर में जो बड़े हैं पिता तुल्य जैसे, तो उनके उपदेश जो हैं इन आदर्श शास्त्रों पर आधारित होने चाहिए, शास्त्रों के नियमों पर, अपने मनगढ़ंत नहीं होने चाहिए कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति अगर उन्नति चाहते हैं तो उनको इन आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। किन आदर्श? जिनका पहले महान शिक्षकों ने अभ्यास करके अपने जीवन में आचरण करके दिखाया, उन आदर्श नियमों का उनका पालन करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि करता है श्रीमद् भागवत कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए।
जैसे उदाहरण भी हैं भागवतम के अंदर, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, अपने आचरण नारद जी का, तो अपने महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए मनुष्य को। और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है फिर प्रभुपाद, ये तरीका है को जो चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना, उसको ये, उनको ये बात समझनी चाहिए कि महान भक्तों के पद चिन्हों का उन्हें अनुसरण करना चाहिए, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। जिनको समझ नहीं है ऐसी अबोध जनता के लिए एक राज्य का प्रशासनाधिकारी जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, और फिर पिता, शिक्षक, राजा, इनको अपने आचरण में पहले प्रमाणिक इन शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। ये सब जो है राजा, राज्य का प्रशासनाधिकारी, पिता या फिर शिक्षक, इनका एक अपना उत्तरदायित्व है। अगर वो कैसा भी आचरण कर रहे हैं, वो सोचे हम तो बस जो हमें कहा गया हम तो वही पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, परिणाम में उनको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि जो सैकड़ों लोग या हजारों बच्चे उनके बताए तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो तरीका गलत है तो भुगतना पड़ेगा उनको। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। नैतिक और आध्यात्मिक संहिता का ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए उन्हें, जिसे कह सकते हैं एक तरह से कृष्ण नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, उन नीतियों के बारे में ठीक ठीक इन्हें समझ होनी चाहिए पहले। और फिर हमारे जो भगवद गीता, श्रीमद भागवत जैसे ग्रंथ हैं, कृष्ण नीति के अंदर जो भगवद गीता भी आती है, विदुर नीति महाभारत में वर्णन है, तो इन आदर्श ग्रंथों का अगर ठीक से वो समझ परिचित हैं, इन ग्रंथों से उनको ठीक से जानकारी है, तो वो समाज को शिक्षित कर सकेंगे, अपने आश्रितों को जो उन पे डिपेंडेंट हैं उनको शिक्षित कर सकेंगे। तो विचार कीजिए, एक पिता का, शिक्षक का, या फिर राजा का, या प्रशासन अधिकारी का कैसा उत्तरदायित्व है। अगर वो अपने उस उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभाते तो हर एक को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि कलयुग के लोग होलसेल में नरक कुंडों को भरेंगे, एक भी बच नहीं सकेगा, चाहे फिर वो नेता हो चाहे वो फिर सामान्य जनता हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुवाद इसका पढ़िए 22वें श्लोक का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, श्लोका नंबर 22। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तम ईश्वराणां परम महेश्वरम, तम देवतानां परम च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परसदा परस्ताद विदां देवं भुवे भुवेनश इद्यम इदयम, नतस्य कार्यम करणम च विद्यते न तस्मश्चाभ्य अधिक्षच दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञान
बलक्रिया च। भावार्थ, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबो द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जी, अर्जुन को, कि हे प्रथा पुत्र, कुंती माता का एक उनके लिए प्रथा भी उनका नाम है, इसलिए अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, उनकी माता से संबंधित करके उनको स्मरण कराते हुए कि हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। असल में जो कर्मों का विधान है, जो वेदों में वर्णित है, किस तरह के कर्म मनुष्य को करने चाहिए, किस तरह के वैदिक अनुष्ठान करने चाहिए जिससे वो शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके अपने आचरण के अंदर, या अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सके किस तरह के वैदिक नियमों का आचरण को पालन करके। लेकिन ये नियम भगवान के लिए नहीं है, ये सब वेदों में वर्णित जो हो, ये केवल मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों के लिए कह लीजिए, ऋषि मुनियों के लिए कह लीजिए, उनके लिए तो है, लेकिन भगवान के लिए नहीं है सब नियम, भगवान के लिए बंधन कोई। और भगवान खुद भी ये बात श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ऐसा कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। भगवान शब्द का अर्थ ही है जो एक तरह से कह सकते हैं षड ऐश्वर्यों से, छह तरह के ऐश्वर्यों से पूर्ण हो, जो सबसे अधिक धनवान हो, सबसे अधिक सुंदर हो, सबसे अधिक त्याग वैराग्य हो, सबसे अधिक ज्ञान हो, सबसे अधिक बलशाली हो, सबसे अधिक यशस्वी हो। इसलिए भगवान के पास श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, कोई भी वस्तु का, और ना ही मुझे कोई आवश्यकता है। जब छह ये षड ऐश्वर्यों से भगवान पूर्ण है श्री कृष्ण, तो उनको कोई वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों की भावना को देख कर केवल उनके भाव के अनुसार भगवान क्या करते हैं, भाव ग्राही, उनके भाव को ग्रहण करते हैं अपने भक्तों के। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ शिक्षित कर रहे हैं, जबकि मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा मेरे लिए तीनों लोकों के अंदर कोई ऐसा कर्म नहीं है नियत किया गया कि जो मुझे करना ही पड़ेगा, उसके अनुसार आचरण करना होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान कृष्ण जो नियत कर्म, नियत कर्म का मतलब है वेदों में बताए गए जो कर्म है मनुष्यों के लिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं बड़ा तत्पर रहता हूं, बड़ा उत्सुक रहता हूं उन वैदिक नियमों के अनुसार आचरण करके दिखाने करता हूं मैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक साहित्य में या वेदों में भगवान का वर्णन जो किया गया है वो क्या है, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं। इस ब्रह्मांड के, इसके नियंता कौन माने जाते हैं, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है पितामह, उनके नीचे हैं प्रजापति जो ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए हैं आगे प्रजा को बढ़ाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रजापतियों को। जैसे महाराज मनु भी एक प्रजापति हैं, ऐसे ही प्रजापति रुचि हैं, प्रजापति दक्ष हैं, जिनसे जिनके बेटी थी, भगवान शंकर के साथ उनका विवाह हुआ, पार्वती माता, गौरी माता, उमा, उन्हीं के नाम है प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में। लेकिन उनके ऊपर हैं ब्रह्मा जी, और भगवान कृष्ण ऐसे असंख्य ब्रह्माओं को भी उत्पन्न करने वाले, इसे उनको कहा जाता है भगवान कृष्ण को प्रपितामह, ब्रह्मा जी को कहा जाता है पितामह। तो ब्रह्मा जी संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाने वाले हैं,
आगे उनके द्वारा ही उत्पन्न किया गया। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कि हे कृष्ण, संसार मुझे पितामह कहता है, लेकिन आज मैं जान गया हूं कि आप वास्तव में मेरे भी पिता हैं, इसलिए आप प्रपितामह हैं। आप समस्त नियंताओं के भी नियंता हैं आप, और विभिन्न लोकपालों पालकों में सबसे महान है। सभी लोकों का अलग अलग लोकपालक नियुक्त किए गए, जैसे राज्यपाल होते हैं ना अलग अलग राज्यों के, स्टेट्स के राज्यपाल कह लीजिए, गवर्नर कह लीजिए, ऐसे ही अलग अलग जो लोक हैं उन लोकों के भी लोकपालक भगवान ने नियुक्त कर रखे हैं। लेकिन भगवान उनके भी नियंता या उनके उन सब में महान इसलिए है क्योंकि लोकपालक उन्हीं के द्वारा है इसे नियुक्त किए गए। सभी प्रभुपाद जी कहते हैं उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अधीन है सभी लोकपालक भी और सभी नियंता, सभी ब्रह्मा भी। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ऐसे ब्रह्मा हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। फिर ये सब जो असंख्य जीवात्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार कर्म फलों को भोगने के लिए अलग अलग 84 लाख योनियों में हैं, तो सभी जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति मिलती है, प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। अगर जीवात्मा के साथ परमात्मा नहीं होंगे ना साथ में, तो जीवात्मा अपने आप में कुछ नहीं फिर कर सकेगा, वो निष्क्रिय जैसा होने लगेगा। तो भगवान जो है, जीव जो है स्वयं अपने आप में श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। भगवान जो है सभी देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं। जब पूरे ब्रह्मांडों के नियंता सभी लोकपालकों में भगवान श्री कृष्ण महान है, तो परिणाम फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो इस संसार के अंदर भी है ना, ये भौतिक नेता लीडर्स और नियंता हैं, जो बड़े इंजीनियर हैं, इस उन सबसे भी बढ़कर हैं भगवान और सबों द्वारा आराध्य हैं। सभी के द्वारा आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। और भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, जो उन्होंने अपने आचरण में भी ऐसे कई सारे उनके कार्यकलाप हैं भगवान कृष्ण के, जिससे उन्होंने अपने आचरण से ये समाज को शिक्षित किया, इस बात को बताया। और समस्त कारणों के, जो कुछ भी हम जो मानते हैं कि हाँ इनका कारण कोई परिवार में कारण जो है पति है मुख्य रूप से, या और अन्य मानते हैं, हम अनेक कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में सब कारणों के कारण श्री कृष्ण हैं, जिसको ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं ईश्वरः परम कृष्णा, परम ईश्वर कृष्ण हैं, जो क्या है सम सर्व कारण कारणम, सभी के कारणों के भी कारण कृष्ण हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, सारे ब्रह्मांड भी, सारी सृष्टियां भी, और सारे ब्रह्मा आदि जितने भी देवी देवता और अन्य समस्त जीव। इसलिए यहाँ पर सब कारणों के कारण कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। और जो अगर इसको नहीं भी समझते या स्वीकार करते कि हम नहीं मानते इस बात को, तो भगवान ने उसके लिए इन अप्रत्यक्ष रूप में या इनडायरेक्टली प्रकृति को ये निर्देश दे रहे हैं, वो प्रकृति अपने आप ही उनको उस तरह से कठोर दंडित करती है। किसमें दंडित करती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार बुढ़ापा, बार बार दुख और दोष जीवन में इतनी बार जन्म जन्मांतरों में आएंगे कि जीव को धीरे धीरे करके उसकी समझ ठीक होने लगेगी। जब सारे उसके जो स्वतंत्र कार्य करने के रास्ते बंद होते जाएंगे, तब उसको इस बात को धीरे धीरे समझना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में समझ ले, चाहे कई जन्म लगा के समझ ले, कई युग या कई कल्प लगा के समझे, लेकिन समझना तो पड़ेगा। इस शास्त्र की बताई शिक्षाओं को
जो भगवान के बारे में यहाँ वर्णन है वैदिक साहित्य में। अगला पैराग्राफ पढ़िए। हाँ जी माता जी, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है उनका शारीरिक स्वरूप से, सॉरी प्रभु जी, उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है न ही उनके तुल्य है, उनकी शक्तियां बहुरूपनी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये वर्णन है, भगवान वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि उन भगवान का परमेश्वर का शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, अर्थात हम उसे भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, या भगवान विष्णु को, या भगवान नारायण को, या भगवान विष्णु तत्व जितने भी हैं, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, वरह, मत्स्य अवतार, तो सामान्य जीव से तुलना नहीं कर सकते। या फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए भी, जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए, सामान्य जीवों से तुलना नहीं की जा सकती उनकी। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये बात भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, उनका शारीरिक स्वरूप जो है सामान्य जीवों जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब सोचिए इस बात को, जब तक हमारी समझ या बुद्धि विकसित नहीं है तब तक हम इस बात को समझ नहीं पाते कि शरीर है नश्वर, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो है शाश्वत, सदा रहने वाली ही। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर और आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसे भी कई अनुवाद या टीकाकार हैं जिनके अनुवाद बाजार में बहुत बिक रहे हैं, लेकिन वो भगवान कृष्ण को सामान्य जीव जैसा समझते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक सुख सागर करके भी श्रीमद् भागवत पे टीका है, बहुत पुरानी एक टीका थी, हमने जब वो पढ़ी तो उसमें ये साफ लिखा था, मैंने खुद पढ़ा इस बात को, कि जब श्री कृष्ण जो है उनका उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका अग्नि संस्कार किया गया, और बाद में शायद हो सकता है कईयों ने ऑब्जेक्शन किया हो इस बात को कि ये, तो परिणाम में वो पेज हटा दिया गया कह लीजिए, या उसको बदल दिया गया, फिर कहा कि वो धाम में चले गए शब्द को। अर्थात कहने का है कि सुख सागर कई वर्षों से, कह सकते थे एक तरफ 100 वर्षों से कई सारे परिवारों में पढ़ी जाती थी भागवत की ये टीका, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं थी। जो उसको लिखने वाला है उसे अनुवादक जो है उसको खुद ही इस बात का ज्ञान नहीं कि भगवान का शरीर सामान्य जीवों जैसा नहीं होता शारीरिक स्वरूप। लेकिन बाद में किसी ने उनको सुधारा या उनको समझाया तो उन्होंने बदलना उसको। तो ऐसे में जो अधूरा इस तरह की बात को अपूर्ण जो जिनको समझ है उनके द्वारा बताए गए, अगर हम उन पुस्तकों को उनको पढ़ते हैं टीकाओं को, तो परिणाम में हम भी मिसगाइड हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं एक प्रमाणित परंपरा के अंदर कि वास्तव में भगवान जो हैं वो सामान्य जीव जैसा उनका शारीरिक स्वरूप नहीं होता, उनका शरीर और आत्मा एक ही है एक तरह से, इसलिए एक कह सकते हैं आत्माओं का ही पुंज जो है, एक समूह आत्माओं का वही शरीर के रूप में दिखता है उनका, हम जिसे देख पा कि भगवान कृष्ण के भी हमारी तरह दो भुजाएं हैं और वैसा ही शरीर, वास्तव में वो क्या है, वो आत्माओं का पुंज है। लेकिन हम उन्हें, जो लोग आसुरी वृत्ति के हैं, जिनके हृदय अभी शुद्ध नहीं है, जिनके हृदयों में बहुत से भौतिक काम और कामनाओं ने डेरा डाल रखा है, इच्छाओं ने, भोगों ने, भोगों को भोगने की इच्छा जिनके मन में अभी भी पड़ी है, वो इस भगवान कृष्ण के दिव्य शारीरिक स्वरूप को
समझ नहीं पाएंगे, शरीर और आत्मा में अंतर कर देंगे और अपराध कर बैठेंगे, उससे उन्नति नहीं हो सकेगी उनकी भक्ति पथ के ऊपर। लेकिन समझ तब सकेंगे जब हमारे मन से भोगों की लालसा और भौतिक कामनाएं इच्छाएं जब समाप्त हो जाएंगी, तो हम समझ सकेंगे बात को कि शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है भगवान कृष्ण के, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं भगवान कृष्ण की, उनकी सब इंद्रियां, ब्रह्मा जी भी ये बात कह रहे हैं अंगानी यस्य सकल इंद्रिय ब्रह्म संहिता में, कि उनकी कोई भी इंद्रिय सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती है, वो दृष्टि से भोग ग्रहण भी कर सकते हैं, केवल दृष्टि मात्र से वो जैसे धरती माता है उनका गर्भ में वो जीवों को जो धारण करती हैं, तो वो भगवान की केवल दृष्टि मात्र से, दृष्टि प्रक्षालन करने से इस भूमि देवी पर। तो यहां पर वर्णन है, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, वो भौतिक नहीं है, इंद्रियां हमारी तरह आंख नाक कान वैसा नहीं है भौतिक हमारी तरह से, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है, अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके कोई तुल्य है, ना बराबर ना उनसे बढ़कर है भगवान कृष्ण के। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, उनकी भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी असंख्य रूप ले सकती हैं, असंख्य तरह के, जैसे एक तरह से भगवान ने जो 16,108 विवाह किए या रास मंडल के अंदर करोड़ों गोपियां थी, तो वो भगवान की शक्तियां हैं जो बहु रूप लेकर ऐसे प्रकट हो सकती हैं, जिसको जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ या हृदय में भक्ति महारानी जब तक जागृत नहीं हुई तब तक उसे समझ नहीं पाएगा कोई भौतिक तरीके से। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं, जितने भी भगवान के सारे कार्य जो भगवान चाहते हैं प्राकृतिक, ये भौतिक जो उपक्रम एक चल रहा है एक चक्र, इसमें अपने आप ही संपन्न होते जाते हैं भगवान के केवल इच्छा मात्र करने पर। आगे आखिरी पैराग्राफ पढ़िए। जी माता, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण। और आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। कि भगवान जो है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि भगवान का मतलब ही है कि जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, ना उनसे कोई बढ़कर है ना कोई उनके बराबर है, और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है भगवान के लिए, जैसे गुरु महाराज भी एक शब्द कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। जो सत्य को धारण करता है जीवन के अंदर, अपने आचरण को वैदिक उन ग्रंथों के अनुसार अगर जीवन जीता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती अलग से, कि हमें कोई भगवान को कि कोई अलग से कर्तव्य करना होगा कोई शक्ता, क्योंकि वो है ही सत्य स्वरूप पूर्ण सत्य से ओतप्रोत। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, जिनके मनों में ये इच्छा है ना कि हाँ मुझे कर्म करना है क्यों बदले में फल मिले, मुझे फल पाना है, हाँ मैं जॉब करूं तो उसका पैकेज क्या मिलेगा मेरे को,
अगर मैं बिजनेस करूं तो उसका प्रॉफिट कितने परसेंट मेरे को प्रॉफिट मिलेगा उसका, पहले सोच ही है। इसलिए एक है ना, कहते हैं दो तरह के जीव है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक है बद्ध जीव, एक है नित्य मुक्त, एक है नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध जो जीव है उनकी सोच ही रहती है हमेशा फल की इच्छा, अगर हम ऐसा करें तो बदले में फल मुझे क्या मिलेगा, आप ये बताइए बदले में क्या मिलेगा, हर बात को फल की उस पे तराजू पे तोलना, ऐसी मानसिकता इस संसार के नित्य बद्ध जीवों की बनी हुई है। जब तक इस स्थिति से वो ऊपर नहीं उठते, बाहर नहीं निकलते, तब तक संभव नहीं है भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। ये नित्य बद्ध अवस्था होने के कारण से ये स्थिति है, हर चीज में फल की इच्छा। अच्छा मंदिर में रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बदले मुझे फल क्या मिलेगा ये बताइए ना, आप मेरे को क्या फैसिलिटी आप देंगे ये बताइए, कितने परसेंट कमीशन देंगे, कितनी सैलरी देंगे, या मेरे को फायदा फैसिलिटी, फिर बात करिए आप। तो ये नित्य बद्ध जीवों की ये मानसिकता, ये सोच विचारधारा है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में जिसे अपने कर्म का फल पाना है, जिस भी व्यक्ति को, स्त्री पुरुष कोई भी, अगर कर्म का फल पाना है, बच्चों को भी अपने कर्म का फल चाहिए, वो भी सोचते हैं हम स्टडी कर रहे हैं तो बदले के अंदर मेरे को भी कुछ ऐसा, मैं मेरे को भी ऐसी फर्स्ट डिवीजन मिले, ये मिले, फल की इच्छा रहती है। अगर हम फर्स्ट उसमें पास होते हैं तो हमें कोई उसके लिए वो मिलना चाहिए, हर तरह से कहीं ना कहीं फल की इच्छा जो मन में, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत, ऐसे लोगों के लिए कर्म नियत है जो वैदिक नियम बताए गए हैं वेदों में, जो कर्म के विधान बताए, ये उन्हीं लोगों के लिए जो कर्म का फल चाहते हैं, जो निष्काम कर्म या कृष्ण भावना भावित कर्म करने का मन बना लें 24 घंटे, उनके लिए फिर कर्मों का बंधन नहीं रहता। लेकिन इस स्थिति तक आने के लिए ही उसको पहले प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु गौरांग राधा कृष्ण को प्रार्थना कर करके उनके कृपा से, अपने हृदय से इस विचारधारा को खत्म करना होगा, पहले हरि नाम निरंतर करके कर्म के फल की इच्छा की सोच को, बदले में क्या मिलेगा ये बताइए मुझे। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं कर रखता, तीनों लोकों में जिसकी कोई इच्छा नहीं कुछ भी पाने की, त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं क्या करूंगा, ये सोच जिसकी, जैसे अर्जुन ने मेरे कहा कि अपने ही परिवार के लोगों को मार के अगर मेरे को स्वर्ग का राज्य भी मिलता है तो क्या लाभ उसका, स्वर्ग के राज्य का। लेकिन सोच ये उस समय तक फल की इच्छा की ही थी अर्जुन जी की, जो बाद में भगवान की शिक्षाओं को समझने के बाद वो फिर कृष्ण भावना भावित कर्म करने पर उन्होंने एग्री कर लिया, स्वीकार कर लिया। तीनों लोकों में से कुछ भी प्राप्त करने की जो इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे जो संत पुरुष है, प्रभुपाद जी हैं, गुरु महाराज या ऐसे भक्त जो जिनके हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, अर्थात वो भगवान से उनके धाम में भी जाने की इच्छा नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम अये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भक्त का आचरण सिखा रहे हैं तो क्या कहते हैं, न धनम, हे कृष्ण मुझे कोई धन की आशा नहीं है, एक रुपये भी नहीं चाहिए मुझे, कोई धन नहीं चाहिए, न जन्म, मुझे अनुयायी शिष्य भी नहीं चाहिए, बहुत सारे मेरे अनुयायियों फॉलोअर्स हो मेरे, ये अनुयायियों की भी इच्छा नहीं है, महाप्रभु कहते हैं, ना सुंदरिम, और ना ही मुझे किसी सुंदर स्त्री की इच्छा है, कविताम, ना ही मैं चाहता हूँ बहुत सुंदर प्रवक्ता मैं प्रवचन कर सकूं या बहुत सुंदर मैं कवि बन सकूं, मेरे को ये भी इच्छा नहीं है। हे जगदीश, तो मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वर, मेरी तो जन्म जन्मांतर एकमात्र इच्छा क्या है, भवताद भक्तिर अहेतु की, आपकी बिना हेतु के, बिना कोई बदले में फल के, आपकी ऐसी मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए, बस मेरी एकमात्र इच्छा ये है, भक्ति की इच्छा है और कुछ इच्छा नहीं। कई बार लोग कहते हैं ये भी तो एक इच्छा ही है भक्ति की, लेकिन वास्तव में मनुष्य जीवन या हमें जीवन मिला ही केवल इसलिए है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए, इसलिए ये इच्छा ही वास्तविक इच्छा है, बाकी इच्छा सबके सब व्यर्थ है, वो सब इस भवबंधन में डालने वाली है, बहुत ही काम और काम, चाहे फिर वो ब्रह्मा जी का पद हो, चाहे वो सूर्य देव का, चंद्र देव का, इंद्र देव का, अग्निदेव, कोई भी पद हो,
सब कहीं ना कहीं बंधन के कारण। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में, अब क्षत्रिय जो हैं, जो चार वर्ण भगवान ने बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, जो क्षत्रिय हैं उनके लीडर के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्षत्रियों के नायक के रूप में। एक तरह से क्षत्रिय को कैसा आचरण करना चाहिए, एक ऐसे क्षत्रिय परिवार में महाराज वसुदेव और देवकी माता के यहाँ क्षत्रिय परिवार में जन्म लेके क्षत्रियों का एक नायक नेता के रूप में अपने आचरण से सिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण। क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें, ये क्षत्रिय का धर्म बताया, जो भी दीन दुखी है संसार के अंदर समाज में उनको आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, भगवान कृष्ण के लिए कोई शास्त्रों के विधि विधान नहीं, लेकिन फिर भी अपना क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए हैं भगवान, तो इस तरह का आचरण सिखा रहे हैं दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, लेकिन ऐसा होते हुए भी, भगवान होते हुए भी जब भगवान ऐसा कुछ नहीं करते शास्त्रों के विरुद्ध, तो विचार कीजिए जो हम सब हैं संसार में रहने वाले बद्ध जीव, हमें भी शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो आचरण शास्त्र बता रहा है ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थी के लिए, वानप्रस्थी सन्यासी के लिए, हमें वैसा आचरण करना चाहिए। अगर हम उन आचरणों को नहीं करते, अगर वो संयमित जीवन नहीं जीते, तो उसके रिएक्शन में हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में गिरना पड़ेगा, हम बच नहीं सकेंगे। फिर ये ध्यान रखिए कर्मों के तरह तरह से फल भोगने पड़ेंगे। इसलिए आवश्यकता है इस बात को इन श्लोकों से समझने की, भगवान कृष्ण के दिव्य उपदेशों से, कि हमें शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको शॉर्ट में, संक्षेप में चार नियमों में बांट दिया। भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं लेना, किसी तरह का नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान किसी तरह का नशा नहीं। पुरुष के लिए हर पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, गृहस्थ जीवन में केवल संयमित जीवन, केवल संतान के लिए पति पत्नी का संबंध हो, अन्यथा पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करें गृहस्थ जीवन में भी, तो आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी, अन्यथा आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है पूरी ठीक से हो पाए। अगर फिर भी वो साधना करते हैं ठीक है, अगले जन्मों में फिर अवसर दिया जाएगा उनको, अगर इस जन्म में नियम पालन, अगर कोई इसी जन्म में पूर्ण कर ले नियमों को ठीक से, गंभीरतापूर्ण पालन, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। और चौथा नियम, मनगणंत बातें नहीं करना, मन के आधार पे नहीं कि हाँ जो मेरा मन चाहेगा मैं तो वो करूंगा, नहीं, गीता और भागवत के अनुसार आचरण करना, और जुआ सट्टा ताश लॉटरी शेयर बाजारी ये चीजें नहीं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का भक्ति करना, नाम जप करना, भगवान की सेवा करना निष्काम भावना से, गीता और भागवत का अध्ययन और श्रवण, ये मुख्य रूप से, और फिर भागवत गीता में बताई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीना, जो भी हमारा व्यवहारिक रूप में जीवन, जैसी भी परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो संभव है कि इसी जन्म में हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। अगर हम शिक्षाओं का गंभीरता से पालन नहीं करते, उनमें ढील देते हैं बार बार मन वाणी और कर्म को, तो परिणाम फिर तो बंधन का कारण बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। और इसमें मुख्य रूप से हमें इस सब नियमों को पालन करने की शक्ति किससे मिलती है, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि नाम करने सदा रुचि, निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उठते बैठते चलते फिरते शब्दों को महामंत्र का उच्चारण करते रहें, तो ये महामंत्र हमें शक्ति देगा जिसमें स्वयं भगवान वास करते हैं राधा रानी के साथ श्री कृष्ण, कि जिससे हम इन सब नियमों का अपने जीवन में मन वाणी और कर्म से इन सब का गंभीरता पूर्वक पालन कर सके इसको। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका।
कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आज का श्लोक था और बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। स्पेशली हम भी गुरु महाराज को देखते हैं, आपको देखते हैं कि आप बहुत सारे अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी जो वीडियोस ग्रुप में शेयर किए हुए थे कि कैसे 76 इयर्स की एज में भी गुरु महाराज कोई मंगला नहीं मिस करते और कितने एनर्जेटिकली वो पूरा सब कुछ देख रहे थे भगवान की सेवा में। और तो हम भी आपके आचरण से सीखते हैं। हरे कृष्ण। रात को मैं लगभग उठा 1:15 बजे। जब मैं 1:15 बजे उठा, जब बाहर गया मैं रूम से, तो बाहर क्या देखा, महाराज के दोनों रूम की, मीटिंग रूम की, ड्राइंग रूम जो उनका मीटिंग रूम है उसकी भी, और बेडरूम, दोनों की लाइटें जल रही थी। मतलब रात को वो जप कर रहे थे पूरी रात भर। तो इस तरह से वो रात रात भर जप कर रहे हैं, उस तरह से अपना नाम जप में ऐसा उनको रस आ रहा है कि अब वो रात को सोना बंद कर दिया। क्योंकि जब महाराज रेस्ट करते हैं, हमने देखा उस समय महाराज के रूम की लाइट बंद हो जाती है, केवल बहुत हल्की सी एक लाइट जलती है, बाकी बंद हो जाती है। लेकिन कल मैंने 1:15 बजे देखा, जब मैं उठा जप करने के लिए, तो देखा महाराज जी आज सुबह 1:15 के, तो देखा महाराज के दोनों रूम की लाइट जल रही थी, महाराज रात भर जप कर रहे थे बैठ कर। हरे कृष्ण। जब सूरत आए थे तो हमें भी मौका मिला गुरु महाराज के साथ पूरी रात जप करने का, और हमने देखा कि कैसे महाराज जी इतना प्रचार करने के बाद, प्रोग्राम्स में लेक्चर्स देने के बाद, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, लोगों की से इतनी मीटिंग करने के बाद भी वो पूरी रात बैठ के जप करते थे। हम भले ढीले हो जाए, लेकिन महाराज बहुत अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो बिल्कुल हम पे भी कृपा करें गुरु महाराज, और आपकी हम भी थोड़ा भक्ति में और दृढ़ बने। हरे कृष्णा। आप सभी अभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं। जी प्रभु जी, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप म्यूट हैं प्रभु जी। सभी महामंत्र दोहराइए मेरे पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद, नमः ओम विष्णु पादाय, नमः ओम विष्णु पादाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, स्वामिन नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे, नमः ओम विष्णु पदाय, नमः विष्णु पदाय, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते नवयोगेन्द्र, श्रीमते नवयोगेन्द्र, गोस्वामिन इति नामिने, गोस्वामी इति नामिने, नमस्ते प्रभुपाद देवे, नमस्ते प्रभुपाद देवे, नाम संकीर्तन प्रचारिणे, नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, समस्त देश तारिणे, समस्त देश तारिणे,
धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।